दो चार जुमले मैं थोड़ी नज़र करना चाहना। रस्म नहीं चाचा जी, इस्लाम के अंदर इबादत। इबादत किस नू आख्या जाता है? जिसका हुक्म या खुदा देवे या नुमाइंदा खुदा देवे, या खुदा खुद समझावे कि इंसान एक कम करे, या कोई नुमाइंदा है खुदा उसका हुक्म देवे। अल्लाह दे इस जहान थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 नुमाइंदा खुदा तशरीफ ले आए। 1,24,000 अंबिया विच, 1,24,000 नुमाइंदगान विच, हर नुमाइंदा हर नबी 21 इज्जत का मालिक ने। किसी का मरतबा बुलंद, किसी का मरतबा झीका। कोई चाचा जी अपने घर वास्ते नबी, कोई भजन अपने मोहल्ले वास्ते नबी, कोई अपने शहर वास्ते नबी। वाहिद नबी है अल्लाह का नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा, जिहड़ा पूरे आलमीन वास्ते नबी है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और मैं अक्सर आदर आना कि इंसान की हदायत वास्ते जनाबे आदम अलैहिस्सलाम तो लैके जनाबे रिसालत इमाम तक, जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लेके जनाब मादी अखरुज़्ज़मान तक, हर दौर च, हर असर च, हर जमाने च, हर घड़ी च, हर साथ च, हर लम्हे च खुदा ने कोशिश की। खुदा ने इंसान की हदायत वास्ते कोई ना कोई चिराग जरूर रोशन किया है, लेकिन इज्जत मुस्तफा की कसम है हर दौर च जिस चिराग की रोशनी सब नालों ज्यादा रही है उसनु कायनात च मुहम्मद मुस्तफा आख्या जाता है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। 1,24,000 नुमाइंदगान, 1,24,000 अंबिया। इबादत क्या है? जिसका हुक्म या खुदा देवे या नुमाइंदा खुदा देवे। आज़ादारी है हुसैन इब्न अली बरपा करना, है मातम करना, है आंसू बहाना, है गिरिया करना, है खर्च करना। मैं फिर मिंबर ते खलो के, स्पीकर ते खलो के, अपने जवाना की मौजूदगी, अपने बुजुर्गों की मौजूदगी, मकतबे आले मुहम्मद दा सब तो छोटा तलब इल्म होने की हसीयत नाल ये गल कर रहा हूँ। जो ये रस्म नहीं, एक किसी नाल जिद नहीं, एक किसी की अना नहीं, एक किसी नाल बंडी रौले की वजह तो नहीं, असा ये इबादत समझ के बरपा कर दे। क्योंकि इस आज़ादारी का हुक्म जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, कदन फरमाया, किस वक्त फरमाया? त्रै शौबान जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हत्थां ते जनाब हुसैन इब्ने अली। मेरे सरदार ने पुत्र नूं चाहिया, हां ना लाया, किस वेले रुखसार चुम दिन, किस वेले सर चुम दिन, किस वेले पेशानी चुम दिन, किस वेले गल चुम दिन। मेरे बादशाह के घर एक कनीज आई जी टुरदी हुई करीब आई, हो सके बादशाह एक गल पूछना चाहनी है सरकार अखे केड़ी। हो सके बादशाह मालिक तुहानू इतनी बड़ी खुशी अता फरमाई, थोड़े घर मालिक ने थोड़ा नवासा हुसैन इबने अली अता फरमाया, चुमदे भी हो और रोंदे भी हो। जनाब रिसालत माँ पुत्र नुहाना ला के दिन, तेन पता को नहीं है मेरा वह पुत्र है जिस ते रोना भी अल्लाह इबादत शुमार फरमाता है, जिस ते रोना भी भजन अल्लाह इबादत शुमार फरमाता है। उन्हें आख्या बादशाह रोना केड़ी इबादत है? यह गल जिहदे वास्ते मैं दो चार पांच मिनट तुहाडे लैन। उन्हें आख्या बादशाह रोना केड़ी इबादत है? सरकार फरमाया तेन इल्म नहीं, हुसैन ते रोवन नाल इंसान दियां अखां दे गुनाह खत्म हो जाते हैं। हुसैन इबन अली ते गिरिया करन नाल इंसान दियां अखां दे गुनाह खत्म हो जाते हैं। उस अगे बादशाह होर हुसैन इबन अली ते क्या करना सी इबादत है? सरकार अके इस हुसैन का जिक्र सुनना भी इबादत। उस अगे बादशाह क्यों? सरकार अके हुसैन इबन अली का जिक्र सुनने नाल इंसान दे कन्ना दे गुनाह खत्म हो जाते। उस अगे बादशाह होर क्या है? सरकार अख्या हुसैन इबन अली का जिक्र करना भी इबादत। उस अगे बादशाह करन नाल क्या फायदा? सरकार अख्या इंसान की जबान दे गुनाह खत्म हो। सके बादशाह वास्ते बड़ा थोड़ी इज्जत का मरतबे का मालिक है थोड़ा पुत्र। सरकार ने फरमाया है मेरा वो पुत्र है जिहड़ा मौसन तौहीद भी है, मौसन नबूवत भी है, मौसन रिसालत भी है, मौसन इंसानियत भी है। आज़ादारी है हुसैन इबन अली 10 दिन बरपा हुई, यकम मुहर्रम अल आराम तो लैके अज 11 मुहर्रम की रीगर हो गई। हर लम्हे हर पल तुसे न किसी मकाम ते या हुसैन दियां सदावां बुलंद कीतियां।
मातम कीते, जुलूस में शिरकत की, लंगर पकाए, सबीला लाइया, लोगन पानी पिलाया, खर्च अखराजात कीते, इतमाम कीते। इस मुश्किल दौर च इतमाम करना बहुत मुश्किल है। अजादारा ने मजलूम में करबला, लोगों के घर के हालात ही इस काबिल नहीं है बकदा ही होर कोई खर्च करे। एक करम है तेरे ते रसूल और औलाद रसूल का, जो मालिक तेने तौफीक अता कर देंदा है, तू अपने घर के आराम छोड़ के भी रसूल के पुत्र का जिक्र करवा रहे। लेकिन याद रखिया है, इस अजादारी मैं अशरे भी बार हा दफा गुजारिश की थी कि इस अजादारी सिर्फ रस्म नहीं बनाना। अजादारी हुसैन इबन अली साड़ी रूह हयात है। अजादारी हुसैन इबन अली बकाए कायनात है। लेकिन मैं वेख्या है किबला, मैं खुद वेख्या, अखा नाल वेख्या, मैं गुजारिशात भी कीतियां ढेर सारियां ढेर सारे मकामात ते। मैं वेख्या सारी रात बंदे जागन, सारी रात बंदे जागन, इमाम बारगाह दे फ्रंट ते आके बैठे, जो बाद इज मत रश बन जाए, जगह ना मिल वंजे। क्यों? अजान अली अकबर सुनन वास्ते। लेकिन अजान ते अगर 4000 दा मजमा ही ते नमाज ते फकत 4 बंदे। अजान ते अगर 4000 दे मजमे हन, मैं अखां नाल वेखे उन्ना मकामात ते उन्ना ही मसाजिद दे अंदर जमात दे पिछे सिर्फ 4 बंदे। किथे गया वो करम जिहड़ा सी आदे मजलिस हुसैन ही साडे ते हुंदा, वो करम किथे गया? किधे गई साड़ी अंदर वाली हुसैनियत? किधे गई साडे ते जिहड़ी वो मेहरबानी होनी है यशर मुहर्रम उल आराम दे दरम्यान, जिहड़ा यकम मुहर्रम दा चन्न वेख के असा हाथ बुलंद करके दुआ की आई, मालिक अल्लाह साडे गुनाह भी माफ कर देवी, सन हकीकी अजादार भी बनावी, सन सही रहीत इमाम उल असर भी बनावी, ओ अजादारी किधे गई? अगर जनाबे अली अकबर की अजान आखरी आई तो नमाज भी तो आखरी आई। इदा मतलब है अजादारी ने रस्म करके बनाया, असा एक त्यौहार समझ के मनाया। असा अजादारी ने रूह इबादत रूह हयात समझ के नहीं मनाया। यकीनन मैं इतराज नहीं कर रहा जो इस दाजर नहीं, इस दा सवाब नहीं, तुहाडा इरादा करना भी अजादारी वास्ते सवाब है, तुहाडा आके बह रहना भी सवाब है, तुसा बोलो ना बोलो सवाब है। दर्जात बुलंद होने मेरे उस्ताद मोहतरम दे फरमेंदे रहिंदे ना, बोलन और ना बोलन च बड़ा फर्क है। वह फरमेंदे ने एक नमाज है घर पढ़ी हुई, एक नमाज है मस्जिद च बा जमात पढ़ी। वह फरमेंदे रहिंदे ने अगर बोल पोसो तो बा जमात वाली का सवाब मिलना, ना बोले सो तो घर वाली तनहा का सवाब मिलना। सवाब तो है, लेकिन एक गल याद रखे, सवाब तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, सवाब तो कोई इतना